Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I am Munesh Kumari, Senior Faculty and Chief Mentor of सीसेट at अभिमन्यु IAएस. और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीसेट एग्जाम. यूपीएससी के एग्जाम की जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इन प्रीलिम्स यू हैव टू एग्जाम्स. फर्स्ट इज जीएस पेपर 1 एंड द सेकंड पेपर इज जीएस पेपर 2 दैट इज सीसेट. ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है सीसेट का एग्जाम, दैट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. दैट मीन्स कि आपको 33% मार्क्स इसके अंदर लेने हैं. बट 33% मार्क्स लेने भी काफ़ी टफ हो जाते हैं हमारे लिए अगर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर नहीं है. ठीक है, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है. ओके तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं सीसेट के एग्जाम को. देखिए, अगर हम देखें कि सीसेट के एग्जाम के अंदर मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, द सब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना. अब इसमें से भी अगर हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम एनालाइज करें तो उस केस में देखिए कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप सेक्शन देखते हो, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के अंदर से मोस्ट ऑफ द पेपर आपका आ जाता है. टोटल 80 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर एंड आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. ठीक है, ईच क्वेश्चन इज 2.5 मार्क्स एंड आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अगर हम थोड़ा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें तो उस केस में आप देख सकते हो 2015 के अंदर 24 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे. ठीक है, सेम वे इन 16 दिस वाज 27, 2017 22 क्वेश्चंस वर देयर, 2018 27 क्वेश्चंस वर देयर, 2019 26 क्वेश्चन. ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एब्रप्टली इंक्रीज्ड. कैसे, देखिए यहाँ पे 2020 के अंदर 41 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर सिर्फ हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके जाते तो भी हम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को, हम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे अगर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर है. ओके अब उसके बाद में देखिए 2021 के अंदर भी 33 क्वेश्चंस थे. यस, अगेन क्वालिफाइंग है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं 22 के अंदर अगेन 38 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके क्वालिफाइंग, दैट मीन्स कि 33% जो आपने गेन करना है, 66.7 मार्क्स आपने लेने, तो वो भी आप ले सकते हो. और साथ में अगर हम ले लें लॉजिकल रीजनिंग को, इन दैट केस क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो आपका सीसेट का एग्जाम. ओके तो अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाले कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है. ओके और किन किन टॉपिक्स में से अगर हम प्रीवियस 8 इयर्स का एनालिसिस करते हैं तो कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे 8 इयर्स की, तो 8 इयर्स के अंदर यहाँ से हम स्टार्ट करें 2015 से. ओके 2015 दिस इज द सिलेबस, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. अब देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर अगर हम 22 की बात करें, 22 के अंदर 38 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, 20 में 1 क्वेश्चन था, 19 18 में नहीं था, 16 में था. दैट मीन्स वी कैन स्किप. देखो ज़्यादा हमने स्ट्रेस नहीं डालना है जब हम सीसेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है हमने. ओके सो हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम ज़्यादा डिटेल में अच्छे से विद बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेंगे. तो यहाँ से हम देख सकते हो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था. ओके और इवन अगर आपका रेशियो परसेंटेज क्लियर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट एलिगेशन रूल. ओके तो उसके बाद अगर हम देखें नंबर सिस्टम देखिए 38 क्वेश्चंस 22 में आए हुए थे, जिसमें से 14 क्वेश्चंस, यस, आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सिस्टम. अब ये जो 14 क्वेश्चंस थे, एक और बात कि जो 14 क्वेश्चंस थे ऑल वर नॉट इन डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए थे. सम क्वेश्चंस वर इन द फॉर्म ऑफ डाटा सफिशिएंसी, सम क्वेश्चंस वर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ओके, एंड सम वर डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो हमने हर तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, ओके. इन 21 9 क्वेश्चन, 20 14 क्वेश्चन, 19 5 क्वेश्चन, 2018 6 क्वेश्चन, 2017 6 क्वेश्चन, 2016 5 क्वेश्चन एंड 2015 देयर वर 3 क्वेश्चंस. That means what? कि जो नंबर सिस्टम है that is most important topic of सीसेट एग्जाम, okay? That means कि नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से कर लेना, मार्क कर लेते हैं हम इसको, है ना. उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, देन प्रॉफिट एंड लॉस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ठीक है. 21 में भी क्वेश्चन नहीं था, 20 के अंदर 3 क्वेश्चन वर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, 19 में 2 क्वेश्चन थे, 18 में 3 क्वेश्चन थे, 17 में क्वेश्चन नहीं था, 16 में 1 क्वेश्चन वर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड 15 देयर वाज 1 क्वेश्चन, ओके. दैट मींस व्हाट कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से क्वेश्चन कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इट डिपेंड्स. बट अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है एंड लॉजिकली यू आर स्ट्रांग, देन इफ यू गेट परसेंटेज सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व, ओके. तो यहाँ पे ये आगे आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस. देन एवरेज, अब अगर हम एवरेज को देखें तो एवरेज के अंदर से हर बार आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, ओके. इट डिपेंड्स कि जो एवरेज का क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको मिल जाए या फिर आपको एजेस के फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल सकता है ना. तो एवरेज सभी ने करना है, एवरेज इज इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पे आप कहोगे कि हाँ जी मैडम एवरेज में से तो 1 क्वेश्चन था फिर भी आप कह रहे हो दिस इज इम्पोर्टेंट. रीजन बीइंग कि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो एजेस के फॉर्म में भी बन जाता है, जो क्वेश्चन है वो स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी एवरेज का कंसेप्ट आ जाता है. एवरेज का कंसेप्ट आपको वेरियस टॉपिक्स लाइक आप कह सकते हो टाइम एंड वर्क पे भी एवरेज का कंसेप्ट आ जाता है, सेम वे डीआईज के अंदर भी एवरेज का कंसेप्ट आ जाता है. दिस इज अ कंसेप्ट, ओके. तो एवरेज सभी ने अच्छे से करना है. क्या कहा? एवरेज प्रॉब्लम ऑन एजेस. अब प्रॉब्लम ऑन एजेस का जो टॉपिक है, ठीक है, इट डिपेंड्स कि हाँ क्वेश्चन कई बार एवरेज से रिलेटेड आ जाता है, कई बार रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना. तो एजेस भी इंपॉर्टेंट है, एजेस सभी ने करना है. यहाँ पे देखिए आप 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, देयर वर 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एजेस के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर आपका थोड़ा सा भी आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो आप इजिली कर लोगे. देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब यूपीएससी है, कई बार क्या होता है कुछ अब्रप्ट चेंज आ जाता है पेपर के अंदर, आप देखते हो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का. अब जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर से अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते तो 1 1 1 2 2 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर. दैट मीन्स कि हर बार क्वेश्चन मिल रहा है आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर लेस. बट इन 2022 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे. दैट मीन्स कि Again, this becomes important. Permutation combination सभी ने अच्छे से करना, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. That means 2 to 3 तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से, है ना. अब उसके बाद पार्टनरशिप में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था. दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड ऑन रेशियो, है ना. रेशियो वाला अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पार्टनरशिप पे बाई चांस आता है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ओके. एलसीएम एचसीएफ जो है दैट इज रिलेटेड टू नंबर सिस्टम. तो एलसीएम एचसीएफ भी सभी ने करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, क्या होता है कि स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है. एंड सम स्टूडेंट डोंट नो कि ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड है या ऑन सम अदर टॉपिक. तो एलसीएम एचसीएफ भी सभी ने देखना है. परसेंटेज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. बिकॉज अगर हम परसेंटेज का देखते हैं तो देखो 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम परसेंटेज, 3 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन. दैट मींस कि परसेंटेज से हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में मिल रहे हैं आपको. 2 to 3 का रेशियो चल रहा है ना, 2 to 3. अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज. देन सिंप्लीफिकेशन. अब देखो सिंप्लीफिकेशन जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जो सिंप्लीफिकेशन इज अ टॉपिक इन विच वी हैव सम एक्सप्रेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म एंड यू विल सॉल्व द एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है. बट ऐसा नहीं है. सिंप्लीफिकेशन मीन्स व्हाट, यू हैव सम वर्ड प्रॉब्लम. इन केस ऑफ सीसेट You have some word problem? Okay, एक statement आपके पास exam के अंदर आई हुई है. That is logical and numerical. Means मैथ्स पे एक आपके पास में statement है. लॉजिकल क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है. आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन किस में से है. मैं ये कहूँ कि हाँ जी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सिस्टम, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. नहीं, आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट आई हुई है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट यू विल डिसाइड कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है. लॉजिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं. 2022 में 7 क्वेश्चंस थे, 21 7 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, देन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन. अब जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अगर आप सर्च करते हो, ब्राउज करते हो, तो उस केस के अंदर आपको ज्यादातर केसेस में जस्ट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस मिलेंगे. मींस कि नंबर के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी. क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सर्च करनी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको नहीं मिल रही, इन दैट केस आप जो हमारी साइट है वहां से भी ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. दूसरा, आप कैसे इसको सर्च कर सकते हो, यू कैन से दिस इज अर्थमैटिक रीजनिंग. यस, अर्थमैटिक रीजनिंग से भी आप इसको सर्च कर सकते हो. रीजनिंग क्यों कहते हो, बिकॉज दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन एंड लॉजिकल दैट मीन्स रीजनिंग. ओके, सो अर्थमैटिक दैट मीन्स दिस हैज सम मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑल्सो. दैट मीन्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों का कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है. तो दिस इज अर्थमैटिक रीजनिंग. तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी सर्च कर सकते हो, अर्थमैटिक रीजनिंग के नाम से भी सर्च कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 7 to 8 क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं 2 साल से. ठीक है ना, तो अभी आप इसके ऊपर सभी प्रैक्टिस करेंगे. और जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है तो उसके लिए आपका परसेंटेज रेशियो, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, से आप ज्यादा इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे. अब उसके बाद अगर हम देखें टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर. यस, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस. टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर. इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था, अब यहाँ पे इट डिपेंड्स कि यहाँ पे हमने इसको नहीं मेंशन किया है क्योंकि जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था वो लॉजिकल क्वेश्चन था एंड दिस वाज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट ऑल्सो. तो वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमने डाला हुआ. तो कुछ क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, उनको आप अलग अलग टॉपिक के अंदर कंसीडर कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए कि जो टाइम एंड डिस्टेंस का आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, ये जो टॉपिक है ना बेटा, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनके कंसेप्ट क्लियर कर लो. ज्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, टाइम ज्यादा नहीं लगाना, बट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनके वो आप क्लियर कर लो. उसके बाद में आप कोई क्वेश्चन आता कर लोगे. ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस आ गया आपका. टाइम एंड वर्क अगेन 1 क्वेश्चन हर बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है. टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन. अगर आपको लगता है यस यू कैन इजीली डू, देन 2, अदरवाइज यू कैन आल्सो स्किप दिस 2 टॉपिक्स. ओके, यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन इंपॉर्टेंट है. इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से नहीं आया हुआ था. 22 की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज हो जाता है. So you should also know the concept of ratio and proportion. This is again important. सभी ने करना, skip नहीं करना है. Okay? Yes. अगर हम देखते हैं 2021 के अंदर 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन. Again important. Okay? Probability जो है direct question आपको नहीं मिल रहे हैं. देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि आप permutation, combination, probability, these 3 topics are related. अगर आपको कॉम्बिनेशन का टॉपिक क्लियर है, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी नहीं है, तो स्किप भी करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. बट ये है कि देखिए क्योंकि यूपीएससी है, कुछ भी चेंज हो सकता है. लाइक इन दिस ईयर देयर आर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. देयर इज अगेन पॉसिबिलिटी कि हाँ इस बार आपके पास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए. ओके, तो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है इन दैट केस स्किप करो, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. हम लॉजिकल रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तो हम देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों में से सिर्फ उन्हीं को ही करके अगर हम जाते हैं तो भी हम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी हर बार नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि हाँ कॉम्बिनेशन मेरा क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी उससे रिलेटेड है तो मैं कर लूँ, कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि यस दिस इज डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स टू स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, कुछ को ईजी लगता है कुछ को डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है स्किप कर दो, कोई इश्यू नहीं है। अगर ईजी लग रहा है तो थोड़ा सा कर लेंगे, है ना। यस, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट, नंबर सीरीज किसी ने स्किप नहीं करना। नंबर सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको नंबर सीरीज से, हर बार। अभी 5 ईयर से तो देखो हर बार आ रहे हैं क्वेश्चंस ना। ओके, सो नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे और इजी क्वेश्चन होते हैं। जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ओके, यस। अगर हम बात करते हैं बेटे डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डाटा टेबल, पाई चार्ट, है ना। तो यही है, साथ में केस स्टडीज भी आप साथ में कंसीडर करके चलो। तो दिस टोटल इज डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए 22 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था पाई का, ठीक है। 21 में एक डाटा टेबल आई हुई थी, एक पाई का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं डाटा टेबल के अंदर से। बट इन 2018, अब यहाँ पे देखो जब 2018 का अगर मैं पेपर देखूं तो उस केस में आप देखोगे कि सारा पिक्टोरियल फॉर्म में पेपर था। आप वहां पे देखोगे कि सारे पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, देयर वर अप यस 3 क्वेश्चन थे बार ग्राफ पे, 5 क्वेश्चन थे आपके पास लाइन चार्ट पे, 2 क्वेश्चन थे पाई पे, है ना। दैट मीन्स 8 से 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो डाटा इंटरप्रिटेशन मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ जी डाटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज्यादा हमने टाइम लगाना है, बट डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ भी नहीं है। सिंपल देखना ये है कि अगर मेरे पास एक बार ग्राफ ये है तो उसको मुझे रीड करना आना चाहिए, उसके अंदर जो डाटा है उसको मुझे पिक करना आना चाहिए। एंड इफ यू हैव डन दिस वाल पार्ट सिंप्लीफिकेशन, इन दैट केस जो क्वेश्चंस है वो तो सिंपल ही होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, जस्ट यू हैव टू पिक द डाटा फ्रॉम द ग्राफ। ओके, तो एक बार ग्राफ को रीड करना सीख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं कह रही हूँ ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू विल चेक के हाँ कोई पर्टिकुलर ग्राफ अगर मेरे पास है तो क्या मैं मुझे वो रीड करना आता है, कैन आई पिक वैल्यूज फ्रॉम दैट ग्राफ, दैट इज ए बार ग्राफ और पाई चार्ट और ए लाइन चार्ट, है ना। तो वो है क्लियर। और पाई चार्ट से हर बार आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो पाई चार्ट को अच्छे से कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं मेंशुरेशन, 2D, 3D एंड ज्योमेट्री की, तो यहाँ से आपके पास एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर हम सिलेबस देखें ज्योमेट्री मेंशुरेशन 1 और 2 का तो काफी ज्यादा सिलेबस है, ठीक है, और आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, तो अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट इजी क्वेश्चन होते हैं। मेनली क्या करेंगे, जो मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कर लेना। आई विल से कि आपके जस्ट यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उस पे बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। बट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है देन स्किप दिस पार्ट, नो इश्यूज, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो इजीली क्वालिफाई कर लोगे बेटा सीसेट को, ठीक है। तो ये अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से हैं हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, पूरा हमारे पास में यहाँ से कंप्लीट सिलेबस आपको दिख रहा है। यस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है हमने, वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज सिलेबस नॉट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज इज पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंशुरेशन, ज्योमेट्री, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा सफिशियंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, अब इसके अंदर से देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रेयरली क्वेश्चन आता है, मे भी कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए बट रेयरली आपको मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हाँ अगर मुझे लिमिटेड प्रिपेयर करना है तो उस केस में स्किप कर सकते हो, हाँ। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग द फुल सिलेबस कि हाँ एक बार मैं पूरा सिलेबस कर रही हूँ तो उसमें एक बार आप देख सकते हो। ओके, सेम वे आप पार्टनरशिप से रेयरली क्वेश्चन मिलता है, तो ये 2 टॉपिक तो ऐसे है जिससे रेयरली ही क्वेश्चन आपको मिलता है। एंड यहाँ पे मेंशुरेशन एंड ज्योमेट्री है, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। एंड बट दिस इज इन वेरी वास्ट, है ना, वास्ट सिलेबस है इसका, आप इसको भी स्किप कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं डाटा सफिशिएंसी की, तो डाटा सफिशिएंसी के लिए आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना, अगर आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लियर है, देन डाटा सफिशिएंसी क्या है? डाटा सफिशिएंसी इज अ टाइप, नॉट अ टॉपिक। वो आपका क्वेश्चन किसी पे भी से आ सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहले ये देखना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को बेटा ऐसे प्रिपेयर कर लेना आपने, कुछ भी आ जाए नंबर सिस्टम में से, कुछ भी आ जाए आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज जो सिलेबस है उसके अंदर न्यूमरेसी, यस न्यूमरेसी वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन्स कि सारा नंबर्स का ही खेल है, नंबर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, सो नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन सिंप्लीफिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स और यू कैन से अर्थमेटिक रीजनिंग। मैं लिख देती हूँ। अगर आपको नेट्स, कई बार क्या होता है कि हम ब्राउज कर रहे होते हैं और हमें क्वेश्चंस मिल नहीं रहे होते, तो हम कैसे करेंगे? अर्थमेटिक रीजनिंग इसको के नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। ओके, दीज आर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज। यहां तक तो किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये जो टॉपिक्स मैंने जो 5 बताए हैं, 1 2 3 4 5, दीज 5 टॉपिक्स काफी अच्छे से प्रिपेयर करने। ठीक है, अब बात आते कि हाँ जी मेरे पास टाइम है, ये 5 टॉपिक्स तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, अब क्या करा जाए कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं, अब सारा तो इसमें से आएगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एवरेज करना है आपने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे से डाटा सफिशिएंसी, हाँ जी डाटा सफिशिएंसी को प्रिपेयर करना है। डाटा सफिशिएंसी मीन्स किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है और आपके पास में गिवन होगा क्वेश्चन के साथ में कुछ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 2, और ऑप्शंस में क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बोथ आर रिक्वायर्ड, नीदर स्टेटमेंट, है ना। तो इस तरह से आपके पास में आ सकते हैं, तो डाटा सफिशिएंसी। और दूसरा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कौन से? कि आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, मीन्स एक स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है, उस स्टेटमेंट से आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हो, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देन सम स्टेटमेंट्स विल बी गिवन, और ऑप्शंस में क्या होगा? लेट अस से देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन एंड यू हैव ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, ऑल आर ट्रू। इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। हाँ जी, ये जो अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएं, दीज वर इम्पोर्टेंट यूजफुल टू यू। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। नाउ कम ऑन कि हाँ अभिमन्यु आईएएस के साथ में जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभिमन्यु से ही कुछ अगर मुझे मिलता है, अभिमन्यु मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो अभिमन्यु के अंदर बेटा ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने फुल फ्रीडम रखी है कि जैसे आपने प्रिपरेशन करनी है उसी तरह से आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, जो कंटेंट आपको चाहिए, अगर आपको फुल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक द फुल सब्सक्रिप्शन, मींस यू हैव एक्सेस टू ऑल द प्राइम कंटेंट्स ऑफ सीसेट। ओके, इफ यू वांट टू टेक द वीडियो लेक्चर्स, in that case you can go for the video lectures, complete course, quantitative aptitude, logical reasoning, english quant, कुछ भी आप ले सकते हो। देन टेस्ट कोर्सेज, अब सभी को पता है टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। अगर आपको लगता है कि यस मेरा सारा प्रिपेयर हो गया, मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने, तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से ले सकते हो। ओके, देन माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज क्या है कि अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने, पूरा कंप्लीट नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। ओके, यस, अगर आपकी कोई क्यूरी है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एक बार एक्सप्लोर सभी करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।